हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इस वीडियो में हम लोग एस जे वी एन स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे एस वे एस जे वी एन में हम लोग को फ्यूचर में क्या टारगेट देखने मिल सकता है स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पे और रेजिस्टेंस कहाँ है स्टॉक पे देखेंगे तो प्रीवियस वीक में हम लोग को एक क्लोजिंग दे, देखने मिला जो कि एट्टी फाइव रुपीज़ का लेवल है वहां से स्टॉक ने प्रीवियस डे नीचे की तरफ हम लोग को मोमेंटम दिखाया जो कि एटी सेवन रुपीज़ के पास से था तो क्या स्टॉक नेक्स्ट वीक में भी नीचे की तरफ गिरावट दिखाएगा बात करते हैं स्टॉक का पास का सपोर्ट लेवल है जहां से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी दिखाया था और ऊपर की तरफ बाउंस बैक भी दिखाया था जो कि एटी रुपीज़ का लेवल है और स्टॉक को गलती से भी एटी रुपीज़ के नीचे नहीं निकलना चाहिए अगर स्टॉक एटी रुपीज़ के नीचे निकलता है तो हम लोग को नीचे की तरफ गिरावट देखने मिल सकता है जो कि स्टॉक फिर से सत्तर से पचहत्तर रुपये तक भी आ सकता है लेकिन जब तक स्टॉक एटी रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक में कुछ खास डरने वाली बात नहीं है स्टॉक पे थोड़ा मोड़ा करेक्शन आएगा लेकिन ऊपर की तरफ हम लोग को एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है तो ऊपर की तरफ मोमेंटम का एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग अगर एक बार स्टॉक में ऊपर की तरफ एटी एट रुपीज़ या नाइन्टी रुपीज़ के ऊपर एक क्लोजिंग आ जाता है तो ऊपर की तरफ हम लोग को टारगेट पहला रहेगा एस में जो कि हंड्रेड रुपीज़ का रहेगा और दूसरा टारगेट वन तक का भी रहेगा जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से टारगेट आए तो अगर किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकता है जो कि एटी रुपीज़ के नीचे रहेगा क्योंकि स्टॉक एटी रुपीज़ के पास में एक अच्छा खासा लगभग चार पाँच दिन वेट किया था और वहां से एक ऊपर की तरफ हम लोग को ब्रेकआउट दिखाया तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आपको कोई दूसरा स्टॉक का एनलिस करना तो नीचे स्टॉक का नाम कमेंट करें